हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आइस का बहुत ही सुंदर आपके साथ ग्लैम मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आइस को अच्छे से बेस वगैरह ला के सेट किया, लूज पाउडर से कालापन हाइट किया, आपने देखा सारा क्रीजेस हाइट की। उसके बाद फिर मैंने ये पैलेट ली है मिस रोज़ की और इसमें से ग्रीन शिमरी आई शेडो ली है। तो जो कलर मैंने आपको दिखाया 100 रुपये की मैंने खरीदी थी पैलेट, बट अब ये शायद 250 की हो गई है। नॉर्मल शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी, शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल, अगर है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो इसको अच्छे से क्रीज तक लगा लेना। उसके बाद फिर मैंने ये ब्राउन कलर लिया है मैट शेड जिसमें चमक नहीं है, फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट। उसके बाद ग्रीन प्रेस्ड ग्लिटर्स ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के और इसको अच्छे से स्मज कर दूँगी सेंटर और सामने की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ। मेन हमें फोकस करना है सेंटर और सामने की तरफ आईलेट के ऊपर। उसके बाद आईब्रो फिलिंग कर दूंगी, पाउडर फिलिंग की है। एंड उसके बाद फिर काजल लगा दिया ADS की काजल स्टिक से, टाइट लाइन करके लोअर लाइन अपर लाइन सब पे अच्छे से लगा दिया, वाटर लाइन्स पे। और इसी से मैंने वो लोअर लैश लाइन भी स्मच कर दी। काफ़ी डार्क है ये काजल पर ये फैलता बहुत है। उसके बाद ग्रीन कलर लेकर लोअर लैश लाइन, लैश लाइन पे इस तरह से सॉफ्ट ब्रश लेकर लगाएंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रोक देना है, तो ये इस तरह से कुछ लुक आएगा। उसके बाद मैंने फिर जो काजल स्टिक ली थी उसी से मैंने आईलाइनर लगा दिया है। पर आप जब रियल में मेकअप करेंगे फिर आप आईलाइनर प्रॉपर यूज करेंगे, डिपेंड ऑन द मेकअप। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने हाइलाइटिंग कर दी है, तो ये मैंने यूज़ किया ब्रिक हाइलाइटर आइवरी। मैं कई बार शो किया आपको ब्रिक हाइलाइटर और आइवरी शेड यूज़ किया, इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने आई लैशेज़ को हाईलाइट अच्छे से कोट किया, मस्कारा लिया। तो इस तरह से हमारा फाइनल लुक है। आप देखिए कितना सुंदर ये ग्लैम वेडिंग आई मेकअप लुक है। जैसे कि मैंने बताया जब हम ब्राइड पे अगर करेंगे तब हम प्रॉपर आई लाइनर ड्रामेटिक वे में लगाएंगे, अदरवाइज पूरा मेकअप ये इस तरह से हम करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लुक आप हमें कमेंट करके बताएं, किस टाइप के लुक्स आप चाहते हैं वो भी बताएं। मिलते हैं जल्दी फ्रेंड्स आपके साथ एक नए वीडियो में।